हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जेजे। आज हम आए अपने पड़ोस के खेत में। आज हम आपको बताऊंगा कि देसी कॉटन और बीटी कॉटन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ पर कितने सारे प्लांट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा बीटी कॉटन का प्लांट। ये है दोस्तों बीटी कॉटन का प्लांट। ये देखिए दोस्तों, ये है बीटी कॉटन का फ्लावर। ये पूरा 180 दिनों में तैयार होता है। और फिर हम नीचे चलेंगे तो ये है इसका फल, जिसको डिंडो भी बोलते हैं, काफी फनी नाम है। अगर हम और नीचे जाए तो ये है बीटी कॉटन। जब ये डिंडू पूरी तरह से निकल जाता है, खिल जाता है, तो इसके है बीटी कॉटन निकल आती है। ये वही कॉटन है दोस्तों जिसका कपड़ा बनाया जाता है। और ये है दोस्तों देसी कॉटन का प्लांट। ये देखिए देसी कॉटन प्लांट का फ्लावर। ये देखिए दोस्तों, ये है इसका फल। ये भी पूरे 180 दिनों के अंदर तैयार हो जाता है। ये देसी कॉटन है जिसके रजाई, गद्दे या तकिए बनाए जाते हैं। जब ये डिंडू पूरी तरह सूख जाएंगे, तब इनके अंदर भी कॉटन निकलेगी। दोस्तों कैसे लगी आपको बीटी कॉटन और देसी कॉटन की जानकारी, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।